हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज मैं सोचता हुआ आ रहा था कि कोई ऐसा फ़ोन होना चाहिए जो हर बंदे की पहुंच में होना चाहिए, जो नहीं भी ले सकता टच वाला फ़ोन उसकी पहुंच में भी लाजमी होना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, ऐसा फ़ोन आ गया है। टेक्नो ने लॉन्च कर दिया अपना नया फ़ोन टेक्नो पॉप 3। तो ये फ़ोन 8,500 की फुल प्राइस में आता है। तो देखेंगे इसमें फीचर्स कैसे हैं, कैसा रहेगा फोन, 8,500 में आपके लिए बेस्ट है या नहीं। तो वीडियो कंप्लीटली देखिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर है जी, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। तो आ गए अपने सस्ते फोन की तरफ। कम पैसों में ज्यादा मजा है या नहीं हम बताएंगे। यहां पर बॉक्स पर आप देख सकते हैं टेक्नो पॉप 3 लिखा हुआ है। फेस अनलॉक का ऑप्शन भी है, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी दिया गया है। 16 GB यहां पर इंटरनल स्टोरेज दी गई है। उसके अलावा यहां पर 5.7 इंच की स्क्रीन दी गई है, 3500 mAh बैटरी है, 8 MP की सेल्फी है, और उसके अलावा आपको 7 levels ब्यूटी मोड मिल जाते हैं। और भी बहुत कुछ है दोस्तों, यहाँ पर हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, बॉक्स को हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। फोन की प्राइस आपको मिलती है 8,500 रुपये, तो 200-300 जो डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन डिस्काउंट थोड़ा सा मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर बॉक्स को जैसे ही हमने ओपन किया तो सामने की तरफ हमारा फ़ोन है। तो फ़ोन की हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, ये आप जानते ही हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट सा नहीं दोस्तों, काफ़ी हार्ड सा केस है, तो ये स्क्रैचेस से बचाएगा और खुद भी स्क्रैच लगा सकता है फोन को। आपको वारंटी कार्ड मिलता है 12+1 का, तो यहाँ पर 13 मंथ्स की आपको वारंटी मिलती है। उसके साथ स्टार्ट क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है। चार्जिंग केबल आपको माइक्रो USB 2.0 है, और उसके अलावा हेडफोन्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। मुबारक हो दोस्तों, 8,500 में हेडफोन्स मिलते हैं, चाहे कैसी भी क्वालिटी हो। चार्जर आपको मिल जाता है 5 वोल्ट 1.2 एम्पीयर का। फास्ट चार्जर नहीं है लेकिन ठीक है इस फोन को चार्ज करने के लिए। बैटरी जो अवेलेबल है वो 3500 mAh की बैटरी दी गई है, तो बैटरी यहां पर रिमूव कर सकते हैं, पर बिल्ट इन बैटरी नहीं दी गई। सभी चीजों को हम समेट लेते हैं, आते हैं मैं अपने फोन की तरफ। फोन का जैसे रैपर रिमूव किया, यहां पर जो कलर सामने आता है गोल्ड कलर है। इसके अलावा 3 कलर्स का और ऑप्शन दिया गया है, ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, एक और कलर भी दिया गया है। जो आपको पसंद आए वो आप बाय कर सकते हैं। तो यहां पर रिमूव करते हैं हम बैक साइड से, तो बैटरी को इंक्लूड करते हैं। यहां पर 2 SIMs और 1 SD कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर ओपन करके कवर को फिर हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो बैटरी को हम पुट इन करते हैं, तो कलर काफी इंटरेस्टिंग है, और यहां पर बैक साइड पर डिजाइन जो दिया गया है ये काफी अच्छा है। प्लास्टिक बॉडी है, ज्यादा शाइन नहीं मिलेगी, स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, आपको पता है हल्की सी प्लास्टिक है दोस्तों, और कलर भी हल्का सा ही करते हैं 8,500 में, और क्या करके देंगे। कैमरा आपको मिलता है सिंगल कैमरा 5 MP का, साथ में LED फ्लैश लाइट भी मिल जाती है। फिंगरप्रिंट भी दिया गया है 200-8,500 में, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो बैटरी हमें मिलती है 3500 mAh की, आपको बता चुका, टेक्नो की ब्रांडिंग है। राइट साइड पर इस फोन के पावर लॉक अनलॉक का बटन है, में वॉल्यूम्स की रॉकर्स भी दिए गए हैं। अप साइड पर कुछ भी नहीं है और लेफ्ट साइड पर भी कुछ नहीं दिया गया, और डाउन साइड पर 3.5 mm जैक दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट है, प्राइमरी माइक है। सामने की तरफ जैसे ही फोन की तरफ आए, यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिल जाएगा दोस्तों, वो डेफिनेटली यहाँ पर बेजल्स वाला डिस्प्ले मिलेगा। नॉच तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इस प्राइस में, तो बेजल्स वाला डिस्प्ले जो आपको क्यू मोबाइल्स में काफ़ी फोन्स में देखने को मिला, 13 से 14,000 में भी देखने को मिला, तो यहाँ पर वही डिस्प्ले आपको मिलने वाला है। IPS LCD दी गई है, 5.7 inches का डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, लेकिन कलर आपको ठीक मिल जाते हैं, पर ऑटो ब्राइटनेस तो नहीं दी गई, इसको कम ज़्यादा आप खुद ही करेंगे, तो डिस्प्ले के हिसाब से ठीक ही दिया गया है, फ़ोन गुजारा कर ही लेगा। इस फोन में प्रोसेसर आपको क्वाड कोर मिलता है, ऑक्टा कोर नहीं मिलेगा। गेमिंग तो बिल्कुल भी नहीं है इस फोन में, आपको 3G मिलती है, 4G का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये आपको क्लियर बताना चाहूँ कि ये फोन 3G सपोर्ट करता है। इस फोन में ब्लूटूथ का ऑप्शन भी दिया गया है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। 1 GB रैम मिलती है इस फोन में, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। ये फोन आपको पुराने सॉफ्टवेयर पर मिलता है, एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पर, तो ये काफी पुराना सॉफ्टवेयर है जो आपको पहले काफी फोन्स में मिला, हम यूज कर करके बोर हो चुके हैं। लेकिन अगर कोई फोन 8,500 तक ही बाय करना चाहते हैं, उनके लिए ये फोन ठीक ही रहेगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस सस्ते फोन्स में भी डार्क मोड का ऑप्शन दिया गया है, नाम कोई और है लेकिन डार्क मोड का ही काम करता है। 8,000 की प्राइस में काफी ज्यादा आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। की तरफ जो कैमरा दिया गया है सेल्फी कैमरा, वो 8 MP का दिया गया है, साथ में
एलईडी फ्लैश लाइट भी दी गई है और यहाँ पर सामने की तरफ स्पीकर दिया गया है दोस्तों, यही स्पीकर है और कहीं भी आपको स्पीकर नहीं नजर आने वाला। तो एयर स्पीकर भी यही दिया गया है और लाउड स्पीकर भी यही दिया गया है। तो यहाँ पर बैक साइड पर फिंगरप्रिंट है, स्पीड आप देख सकते हैं, फास्ट तो नहीं है लेकिन एक कोटा ही पूरा किया गया है, ठीक ही दिया गया दोस्तों। कैमरा की तरफ आया था, आपको फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, ब्यूटी मोड भी मिल जाएगा, वीडियो लाइव रिजल्ट देखेंगे बैक साइड से। तो 5 मेगापिक्सल इतना खास नहीं है लेकिन गुजारे के लिए ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फ्रंट एंड बैक कैमरा से काफी सैंपल्स लिए, बैक कैमरा का इतना इंप्रेसिव रिजल्ट नहीं लगा, फ्रंट कैमरा का रिजल्ट जो 8 मेगापिक्सल है वो काफी इंटरेस्टिंग है। फ्रंट में आपको पोर्ट्रेट मोड में मिल जाता है तो फ्रंट के मामले में काफी अच्छा रिजल्ट है दोस्तों 8 मेगापिक्सल। बैक से ज्यादा फ्रंट कैमरा का रिजल्ट ज्यादा बेहतर है लेकिन सैंपल्स दोनों ही अवेलेबल है। तो आपको कैसे लगे सैंपल्स आप भी कमेंट्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। फाइनल रिकमेंडेशन बिल्कुल सीधी सादी है, कोई घुमा फिरा कर हम बात नहीं करने वाले। 8,500 की प्राइस में और क्या चाहिए दोस्तों, सेल्फी भी इतनी प्यारी है, फोन का डिजाइन भी ठीक है, फिंगरप्रिंट भी दिया गया है, फेस अनलॉक भी दिया गया है और उसके साथ साथ 16 GB की स्टोरेज भी आपको मिल जाती है। इंटरनेट यूज करने के लिए काफी अच्छा है फोन दोस्तों, यूजेज के लिए बैटरी भी काफी अच्छी है, कॉल सुनने के लिए, डेली यूजेज के लिए आपके लिए काफी अच्छा फोन है 8,500 में, और क्या बच्चे की जान लेंगे। तो आपको ये टेक्नो पॉप 3 कैसा लगा, क्या लगा इस फोन में सबसे ज्यादा अच्छा, आप भी कमेंट्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जाता हूं मैं आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।